दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर बहुपद प्रश्नावली 2.2 का इस वीडियो में सारे का सारे प्रश्न आपको कवर करवाऊंगा। दोस्तों तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ओर लेके चलता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों आप इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर दोस्तों ये है बहुपद से आपको लिया गया है और बहुपद में प्रश्नावली 2.2 को लिया गया है, जैसा आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको एक बार देख रखा दोस्तों x बराबर 0 और x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2 दिया है। मतलब ये तीन मान हमारा x का दिया गया है जो कि हमें इसमें पुट करके आपको सोल्यूशन करके लाना है दोस्तों। ओके तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, बारीकी से इसको समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट में इसको ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में 3 हो गया। ओके थोड़ा सा मार्कर को हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर करना क्या दोस्तों कि आपको यहाँ पर ले देना है 5, ठीक है ना। एक्स का मान आपको एक बार आपको क्या करना है, 0 रखना है, ठीक है ना। तो एक्स का मान हम यहाँ क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं, माइनस हो जाएगा 4, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर देंगे और ये प्लस में 3, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर जो हम 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या पुनः 0 आ जाता है वापस, ये आपको पता है। तो यहाँ पर 5 गुणा 0 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 और 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा और 0 इसमें गुणा कर देंगे, ऐसा मान लेते हैं एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 0 और प्लस में कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या जाएगा, 0 माइनस कोई भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस से कट गया, तुम्हारा मान कितना गया, ये 3 आ गया दोस्तों। तो पहला मान हमारा ये आ गया। अब इसी का जस्ट हम देखते हैं दूसरा करके, ठीक है। तो दूसरा फिर इसी को रखना है, क्वेश्चन तुम्हारा एक ही रहेगा लेकिन हम ऐसे टाइप दो देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा। अब x का मान एक बार हम क्या रखेंगे, माइनस में एक रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक रख देंगे क्योंकि x का मान क्या है, माइनस एक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में यहाँ 4, यहाँ पर माइनस एक का क्या स्क्वायर और प्लस में दोस्तों 3 हो जाएगा। ओके आइए नेक्स्ट में क्या करा कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ जैसा समझिएगा कि अगर हम इसको बता देते हैं कि माइनस एक का स्क्वायर मतलब क्या होगा कि माइनस एक गुने माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एक गुने एक तो एक हो जाएगा। तो इस बात को समझ आपको आ गया होगा कि यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा और एक का 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3। इस स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट में इसको देखते हैं क्या कि माइनस माइनस वालों को जोड़ देंगे और प्लस वाले घटा देंगे, तो 5, 4, 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस स्टेप को एक बार बढ़ा देते हैं कि 5, 4, 9 चिन्ह रहेगा आपको माइनस का और प्लस में 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जिसका मान अधिक होता है, तो मान मेरा माइनस वाला का अधिक है। हमारा कह रहा है कि यहाँ पर फिर हो जाएगा 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा। ओके अब क्या करना है, यहाँ पर तो ये रखा गया था तो अब ये रखेंगे, x का मान यहाँ पर करना है 2 पूर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। ओके यहाँ पर करेंगे क्या, 5 × 2 = 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस में हो जाएगा 3 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 यहाँ 10 प्लस में और 3 प्लस में, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा 13, 13 में से माइनस 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, माइनस में 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सारे का आंसर आ गया, एक हमारा आ गया 3 आ गया, एक आ गया माइनस में 6 और एक आ गया माइनस में 3 दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम दोस्तों तो आप इसका कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।